हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सब्लाइम वर्ल्ड। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन फ्लाइट। और देखिए कि अगर आप फ्लाइट में फ़र्स्ट टाइम सफ़र करते हैं तो आपको क्या क्या ध्यान देनी चाहिए। पहले कि आप किस फ्लाइट से जा रहे हैं, वहाँ उस नंबर पे आपको जाना है। ये देखिए, ये मुंबई एयरपोर्ट है। और यहाँ पे सबसे पहले पहुँचने के बाद अगर आप बोर्डिंग कार्ड का प्रिंट नहीं लाए हैं, फ़ोटो कॉपी सिर्फ लाए हैं, तो आप उसका एक ओरिजिनल प्रिंट निकाल लीजिए। वहाँ पे कहीं भी बहुत सारे स्क्रीन लगे होते हैं, आप एक जगह जाकर अपने से वो जो बोर्डिंग कार्ड के नंबर्स डालेंगे तो आपके वो प्रिंट वाले ऑप्शन आएंगे। आप उस पर प्रिंट करके आप इस प्रोसेस के द्वारा, जैसा कि आपको दिख रहा है, आप बोर्डिंग कार्ड निकाल सकते हैं। और वोटिंग कार्ड के साथ आपको कोई आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड हो, निर्वाचन कार्ड हो, निर्वाचन कार्ड में वोटिंग वोटर आईडी, आप दोनों में से कोई भी चलेगा। अगर आपके आधार कार्ड है इस बेस्ट। और अब जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरा एक प्रिंट हो चुका है वोटिंग कार्ड, और मेरा दूसरा वोटिंग कार्ड मेरे हाथ में आ चुका है। तो मैंने आगे के सफ़र के लिए भी एक वोटिंग कार्ड निकाला है। ये हमारा वोटिंग कार्ड है। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट जाना है, अपने सामान का चेकिंग कराना है कि उसका वेट कितना है। आप कुछ ज़्यादा वेट के सामान ले जा रहे हो, क्योंकि फ़्लाइट में हमेशा लिमिटेड रहता है, तो आप उसका कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा। और ये अब यहाँ से आप देखिए स्क्रीन पे, आप जिधर आपको जाना है, आपकी जहाँ पे फ़्लाइट है उसका वो लिखा होगा डायरेक्शन, तो आपको उस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पे एयरपोर्ट पे बहुत सारे शॉप होते हैं और बहुत यहाँ पे रेट बहुत कॉस्टली होता है, तो आप जैसा आपको सही लगे, इसकी रेट कॉस्टली होती है तो बहुत लोग अवॉइड करते हैं। आप सब चाहें तो ले सकते हैं। और शॉप आपको सारी चीज़ के मिलेंगे, चाहे वो कपड़े के हो, चाहे कॉस्मेटिक के हो, फूड, सारे कुछ। तो अब हम मुंबई एयरपोर्ट पे हैं और हम उस साइड जाएंगे जिस साइड हमारा एरो था। अब हम जा रहे हैं वेटिंग रूम में, थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद हमारा फ्लाइट है, तो हम वहाँ से जाएंगे। अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो मेरा 10:35 पर मेरी फ़्लाइट है, तो मुंबई से दिल्ली की। तो अब हम जा रहे हैं उस साइड, हमारा इंडिगो है, मतलब हमारे फ़्लाइट का नाम इंडिगो है, तो हम उसी साइड ही जाएंगे। अगर आपका एयरलाइन है कुछ और है तो आप अपने ही उसको देख सकते हैं कि आपका किस कौन सा फ़्लाइट है और कहाँ से आपको लेना है। हर फ्लाइट का अलग अलग होता है। तो आप देखिए, एक फ़्लाइट ये जाने वाली है अभी, इसके बाद जस्ट हमारी फ़्लाइट है, तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आपके फ़्लाइट का, मतलब आप किस सीट पे बैठ रहे हो, तो वो सारा आपके बोर्डिंग कार्ड पे लिखा होगा। तो मैं चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा, आप देख सकते हो, 2E है मेरा सीट नंबर। तो अब हम जाने वाले हैं और हमें फ़्लाइट में आके बैठ गए हैं 2E पे। तो आपके जस्ट सीट के आगे आप आते ही अपना मोबाइल आप स्विच ऑफ कर लीजिए और प्लस अपने सीट बेल्ट लगा लीजिए। ये आपका आगे बुक्स वगैरह होंगे, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। जस्ट इसके साथ ही साथ ना, बुक के पीछे एक पॉली बैग होती है, अगर आपको वॉमिटिंग फील होता है तो आप उसमें उसको हाँ ऐसे कट फाड़ कर और उसको ऊपर दिए होते हैं, उसको उसमें आप वॉमिटिंग वो कर और उसको कैरी किए रहिए। उसके बाद जब वहाँ पे जो होते हैं एयर हॉस्टेस, उन लोग आपको पॉली बैग देंगे, उसमें डाल के आप उसको उनको डस्टबिन में उनके डाल सकते हैं। तो वॉमिटिंग का भी उसमें कोई इशू नहीं है, वॉशरूम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत लोग को लगता है, अब देखिए हमारे फ़्लाइट तेज़ रफ्तार में चल रहे हैं रोड पर, उसके बाद ये फ्लाई करेंगे, और इस टाइम बहुत लोगों को वॉमिटिंग फील होता है, लेकिन और मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप चाहें तो इस टाइम आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, क्योंकि एयर का बहुत दबाव बनता है, तो जो एयर का दबाव बनता है ना, वो आपके कानों को फील ना हो, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, एयरफोन लगा के म्यूज़िक सुन सकते हैं। अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर रख कर और म्यूज़िक लगा लीजिए और अपना सुनते रहिए। तो अब हमारा ये फ़्लाइट फ्लाई हो चुका है। अब आप देख सकते हैं नीचे की सारी चीज़ें अभी क्लीन दिख रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही फ़्लाइट ऊपर उड़ेगी ना, तो आपको ये चीज़ें धुंधली दिखने लगेगी। जैसे जैसे फ़्लाइट ऊपर जाएगी तो एक समय आएगा आपको ये दिखेंगे भी नहीं। तो हमारा सफ़र वही 1:30 का है, 1:30 में हम वहाँ पर पहुँच जाएँगे। और दिल्ली में, दिल्ली से हमारी दूसरी फ़्लाइट है बनारस के लिए,
तो आप फ्लाइट में ज़्यादा कोशिश करें कि आप बहुत काम रहे, टेंशन ना ले। फर्स्ट टाइम है तो आपको वहाँ ये वाटर वाटर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ मिलेगा। अगर आपकी फ़्लाइट में पहले से लिखा हुआ है तो फूड भी वो प्रोवाइड करवाएंगे, डिनर लंच सब। और उसके बाद आप क्या करिए कि आपको अगर हवा का बहुत दबाव पड़ा तो ईयरफोन लगाइए, नहीं तो आप आराम से बुक वगैरह वहाँ पर रखी होती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और काफ़ी लोग उस बुक को पढ़ते हैं, नहीं तो आप अपना समय वैसे मोबाइल भी आप चला सकते हैं। मोबाइल चलाने को मना नहीं रहता है क्योंकि बस एयरप्लेन मूड पे मोबाइल रखते हैं उन लोग। और ये ऊपर से आप देख सकते हैं कि पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है। और अब हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली में हमारी फ्लाइट ये लैंड हो रही है। और उसके बाद हम बनारस की ओर जाएंगे। और फ्लाइट लैंड होते समय भी बहुत दबाव, मतलब आपको कानों को फील होता है, तो आप उस समय भी चाह सकते हैं कि आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन में से हटा सकते हो और बेल्ट को भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो आपके सीट बेल्ट होते हैं तो वो बस फ्लाइट के लैंडिंग और फ्लाई के समय ही होते हैं। अब ये देखिए हम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं और यहाँ भी काफ़ी शॉप खुली हुई है अभी भी। और रात के आपके रात के वही 12 बजने वाले हैं और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमारा दूसरा फ्लाइट है बनारस के लिए, तो हम अब वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे वेटिंग रूम में हम 2-3 घंटे आराम किए और अब हम दूसरे फ्लाइट के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे लाइन लगी हुई है अंदर जाने का। अब हम बैठ चुके हैं और मेरा फिर विंडो सीट मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है विंडो सीट, क्योंकि वहाँ से आप पूरा बाहर देख सकते हो अच्छे से। बीच में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अब ये भी यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे फिर वही दोबारा काम करना, आपको सीट बेल्ट लगा लेना है। फिर आप देख सकते हो हमारा ये फिर फ्लाई हो चुका है। ऊपर से बहुत ही अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा। छोटे छोटे वो जो लाइट्स वगैरह दिखते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं ऊपर से। और एयर का बहुत दबाव भी बनता है, तो मैं क्या करती हूँ ना, ईयरफोन लगा लेती हूँ उस समय। और मैं सुबह मतलब 6 बजे तक तो वहाँ पहुँच जाऊँगी बनारस। और ये देखिए सुबह हो चुके हैं और रात को मैंने अपना मोबाइल रख कर सो गई थी, क्योंकि 1-2 घंटे का समय था। सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं 4:30 बजे वहाँ से निकली थी दिल्ली से, और अब यहाँ पर पहुँचने वाली हूँ बनारस। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वहाँ पर। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे अच्छा फील हुआ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत पोलाइट वे से एयर हॉस्टल आपके साथ बिहेव करती हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा कुछ अच्छा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आप देखिए मैं बनारस पहुँच चुकी हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादातर अपने रिलेटिव्स फ्रेंड को एयरपोर्ट पे लेके ना जाएं, क्योंकि वो अंदर जाने नहीं देंगे चेकिंग के साइड। और अगर आपको वो पिकअप करने आ रहे हैं तो वो बाहर ही रुकेंगे, तो अंदर नहीं जाने देते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम ही लोग को लेके जाएं। हाँ, पिकअप करने कितने लोग भी आ सकते हो, क्योंकि आपको जाना ही वहाँ से बाहर है, तो आप आराम से जा सकते हो। और फर्स्ट टाइम है तो आप एयरपोर्ट पे सारा कुछ अपना डॉक्यूमेंट मतलब आईडी प्रूफ वगैरह ज़रूर ले जाएं। इस समय आप मास्क भी ले जाएं, क्योंकि अभी भी मास्क को बहुत काफ़ी देखा जा रहा है। अब ये देखिए मैं बनारस पहुंच चुकी हूँ। ये देख सकते हैं लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यहाँ से मैं अपना खुद यहाँ से मैं कैब करके सीधे घर को निकल जाऊंगी। ओके, बाय। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। और हम जा रहे हैं बाहर की साइड। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।